हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं UKG का मैथ का वर्कशीट पार्ट टू वीडियो लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। फर्स्ट नेम भी आता है ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का स्पेलिंग उन्हें याद कराना है, ठीक है। सर्कल का स्पेलिंग उन्हें याद कराना है। फिर बच्चे क्या करेंगे, जब याद कर लेंगे तो यहाँ पर उन्हें फील करने के लिए दे देना है। अब देखिए, सर्कल का स्पेलिंग तो CIRCLE होता है, ठीक है, CIRCLE। स्क्वायर का होता है SQUAR स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा है। ट्राइंगल TRIANGLE ट्राइंगल, और ये RECTANGLE रेक्टेंगल। अब देखिए, रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में क्या है, क्या सिमिलरिटी है। देखिए, ANGLE इसमें भी आता है और रेक्टेंगल में भी ANGLE आता है। तो बच्चों ने जब एंगल याद कर लिया तो ट्राइंगल का उन्हें केवल TRI याद करना है और रेक्टेंगल का RECT याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को याद करने में आप हेल्प करा सकते हैं कि हाँ, ANGLE दोनों में है, तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का करीब करीब स्पेलिंग सेम है एंगल का, ठीक है। एंगल का याद कर लोगे तो हो जाएगा। तो उस तरह से आप बच्चों को इस तरह से भी आप याद करा सकते हैं स्पेलिंग। ये छोटा सा था, मैंने बता दिया जो मैंने अपने बच्चों को बताया, ठीक है। तो सर्कल, स्क्वायर, ये आपको चारों और भी है, ओवल है, कोन है, ठीक है। तो ये सब आप शेप्स के स्पेलिंग उन्हें याद जरूर करवा दें। उसके बाद आप ये वाला भी वर्कशीट तैयार करके दे सकते हैं, कलर द रेक्टेंगल शेप्स, मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे इसमें बच्चों को क्या करना है, रेक्टेंगल शेप्स को ढूंढना है और उसे कलर करना है, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद फिर आप कलर द ट्राइंगल शेप्स, मतलब जो जो शेप्स आप सारा चीज़ दे सकते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, ठीक है, कोन, ये सब। तो जो इसमें सर ट्राइंगल शेप दिखेगा बच्चे उनको कलर करेंगे। इस तरह से आप भी समझ जाएंगे कि बच्चे सर्कल बच्चे शेप्स को पहचान रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको देना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे कि और जिससे आप समझ जाएंगे कि उन्हें आता है कि नहीं शेप्स को पहचानना, ठीक है। तो ये आप ज़रूर दीजिए। उसके बाद है राइट हाउ मैनी टेंस एंड वंस, ठीक है, मतलब इसमें कितने टेंस है और कितने वंस है ये बच्चों को बताना है, ठीक है। जैसे इसमें एट वंस है, तो एट बच्चे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट, और यहाँ पर क्या है, वन टेंस है, तो वन टेंस, ठीक है। इस तरह से बच्चों को जीरो वंस है, तो जीरो यहाँ पर हो जाएगा और टू टेंस, इस तरह से आप दीजिए उन्हें, ठीक है। जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चों ने समझा कि नहीं समझा कि टेंस क्या है, वंस क्या है, ठीक है। फिर है राइट इन नंबर्स। जैसे उसके बाद हमने पहले तो आपको बता दिया था मैंने कि पहले दे देना नंबर, फिर उसको बच्चे स्पेलिंग लिखेंगे उसका। उसके बाद फिर आप इस तरह से दे सकते हैं 105, तो यहाँ लिखेंगे बच्चे 100 105, ये हो गया। फिर 28 यहाँ लिखेंगे, 100 तो 100, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को दें और खुद डिसाइड करें कि बच्चे ने आपके कितना सीखा है। फिर इसमें बैकवर्ड काउंटिंग दी जाती है, ठीक है। पहले तो 50 to 1 आपको देना है, उसके बाद फिर 100 to 1 देना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाना है कि 50 to 1 फिर 100 to 1। तो अगर बच्चे को फिर भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करें कि इधर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है वो आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपको फिर नीचे आपको बच्चे लिख लेंगे, ओके। तो इस तरह से आपको पहले दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको बैकवर्ड काउंटिंग, 50 to 1, 100 to 1 आपको देना है, पहले इसे देना है फिर इसे देना है। अगर 50 to 1 भी बच्चे भी नहीं कर पाते हैं तो क्या कीजिएगा, 20 to 1 दीजिएगा, उसके बाद फिर 30 to 1 दीजिएगा, इस तरह से आप करिएगा, ओके। फिर टेबल ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का टेबल भी दिया जाता है UKG में बच्चों को। तो आपको क्या करना है कि ये लिख देना है 2 1 जा 2 2 जा, बच्चे को यहाँ पर केवल लिखना होगा कि 2 1 जा क्या होता है, तो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से आपको ये चीज़ दे देना है और बच्चे को यहाँ लिखना होगा, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ नंबर लाइन पर भी ऐड करना बच्चों को सिखाया जाता है यूकेजी में। तो नंबर लाइन पे आप ऐड करना कैसे सिखा सकते हो, मैंने पिक्चर के थ्रू, तो मैंने पिक्चर के थ्रू आपको पिछले वीडियो में जो मैंने वर्कशीट तैयार करके दी है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर लिंक में भी मैंने शेयर कर दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पिक्चर के थ्रू ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना बताया है, और उसके बाद फिर कैसे नंबर दे करके ऐड सब्सट्रैक्ट सिखा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं ये भी बताया, ठीक है। उसके बाद फिर आप नंबर लाइन पे भी ऐड करना उन्हें जरूर दीजिए। जैसे 2+1 है तो उन्हें कैसे बताएंगे, 0 से 2 है तो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। अब +1 है तो फिर 1 इस तरह से देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2+2 1, +2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, तो यहाँ पर क्या बच्चे लिखेंगे, 3। तरह से उसी तरफ 4+3 है तो 4 0 से डायरेक्ट 4 पे ले जाना है, 4 है तो 0 से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4, फिर 3 है तो 1 jump 2 jump फिर 3 jump, तो हो गया ये कितना आया, 7, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 7 यहाँ आया है। तो इस तरह से आप बच्चों को नंबर लाइन पे ऐड करना सिखाइए, ठीक है, बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद फिर सब्सट्रैक्ट करना भी मैंने नंबर लाइन पे मैं बता रही हूँ, देखिए 4 - 3 है, जैसे 4 है तो यहाँ पर 4 ऐसे हो गया, ठीक है। अब -3 है ना तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे नीचे से आपको ले जाना है, तो 1 2 3 तो कहाँ आया, 1 पर आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, 1, तो ठीक है। आप इस तरह से 4 पे जाना है जब सब्सट्रैक्ट रहे और फिर लेफ्ट की तरफ आप ले जाइएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखाइए सब्सट्रैक्ट करना नंबर लाइन पर। तो ये मैंने बता दिया है, ये यूकेजी में पूछा जाता है, ओके। तो इस तरह से आप उन्हें बताइए, जब उन्हें 2 और 3 का टेबल सिखा दिया जाता है तो उन्हें कुछ कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए भी दे दिया जाता है, जैसे 2 × 2 = 2, तो अगर बच्चे को 2 का टेबल याद है तो वो लिख देंगे 2 × 2 = 4। तो इस तरह से आप अगर टेबल बच्चे को याद जरूर कराइए और उसके बाद फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए भी दीजिए जिसका टेबल उन्होंने याद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यूकेजी में आप नंबर लाइन पर भी ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना उन्हें सिखाइए और टेबल दीजिए बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। फिर टेंस और वंस ये क्लियर करिए कि उन्हें आया कि नहीं, इस तरह से आप दे करके वर्कशीट में क्लियर कर सकते हैं। फिर नंबर्स में लिखना है, फिर शेप्स को आइडेंटिफाई वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चन बना करके कलर द रेक्टेंगल शेप्स, कलर द ट्रायंगल शेप्स, कलर द सर्कल शेप्स, इस तरह से आप दीजिए उन्हें, और शेप्स नेम तो स्पेलिंग तो याद कराना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप वर्कशीट बना करके दीजिए बच्चों को और उन्हें अच्छे से समझाइए, लर्निंग पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, ओके। और कलरफुल वर्कशीट बना करके दीजिए जिससे उनका पढ़ने में अच्छे से मन लगे और अच्छे से वो आंसर लिख सकें, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।